Hi everyone, in this video we would discuss about the encyclopedia of forest Tulsi Gowda. कर्नाटक के हनोली गांव की रहने वाली तुलसी गौड़ा को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अब तक 30,000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। यह पिछले 6 दशकों से पर्यावरण के संरक्षण में जुटी हुई हैं। यह कभी स्कूल नहीं गई, छोटी सी उम्र में वो अपनी माँ के साथ नर्सरी में काम करती थी, वहीं उनके अंदर पर्यावरण के लिए काम करने का जज्बा आ गया। इन्हें हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसे ही तुलसी गौड़ा का नाम गूंजा, हर किसी की नज़र इन पर टिक गई। तुलसी गौड़ा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। तुलसी गौड़ा जब हाल में दिखी तो इनकी सादगी ने सबका मन मोह लिया। इन्होंने कपड़े के नाम पर साधारण सी चादर जैसे कपड़े पहने थे, गले में आदिवासी जीवन शैली की कुछ मामूली सी मालाएं थी। वह बिना चप्पल के यानी नंगे पैर जब पद्मश्री सम्मान लेने आई, यह सादगी को देख सभी मंत्रमुग्ध हो गए और इनके चलने से रायसीना का रेड कारपेट धन्य हो गया। अभी यह 72 ईयर की हैं और इन्हें पौधे और जड़ी बूटियों की विविध प्रजातियों पर उनके विशाल ज्ञान के कारण इन्हें यह सम्मान दिया।